नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक लड़के को एक लड़की से प्रेम करना इतना महंगा पड़ा कि प्रेमी लड़के को दुनिया छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। घटना रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर निवासी राकेश कुमार की हत्या उसकी तथाकथित प्रेमिका के परिजनों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर कर दी। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। गोपालपुर निवासी प्रमोद कुमार ने तहरीर में लिखा है कि उनके पुत्र राकेश कुमार का प्रेम प्रपंच एक युवती से था। मामला सामने आने पर स्थानीय लोगों ने स्थिति शांत करा दिया। वहीं युवती के परिजनों ने राकेश को युवती से ही फोन कराकर घर बुलाया और घर बुलाकर बुरी तरह मारा पीटा, जिसके बाद उसकी हालत खराब हुई और उसके बाद परिजनों को बुलाया, परिजनों को सौंपा और परिजनों ने उसे अस्पताल लाया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर एसपी ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं और जानकारी दी, वहीं मृतक के पिता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। जी प्रमोद जी, क्या मामला था? मामला था कि 1 हफ्ता पहले से वार्ता भई रहा प्रशासन से जी, और करीब बाद सब दोनों पक्ष पटा गए रहा। पटेला के बाद कल वाली रात में 2 बजे हमारा लड़का के फोन करके बुला के लड़की से फोन करा के लड़का पूरा जबरदस्त पिटाई करके एकदम खत्म कर दिया। कौन लड़की थी जो आपके लड़के को फोन करके बुलाई थी? क्या उसके साथ कुछ संबंध था क्या उसका? हाँ, संबंध रहा। प्रशासन वार्ता कर लिया। तो क्या इसमें पुलिस की क्या भूमिका थी? पुलिस क्या आपसे कही थी? पुलिस का अलग कि पूरा एक दोनों को फाड़ दीजिए, शादी नहीं होगा। पूरा दोनों तैयार थे शादी करने के लिए, लेकिन फाड़ दिया। हमने समझौता हो गई, हमने से जाए से पहले लड़की चल गई और करीब हम लड़को नहीं जाता। लड़की लड़का हमारे पड़ल बात हम अपन लड़का छोड़ा के ले ली, और छोड़ा के लेने के बाद फिर सब पटा गई। और करीब बाद साहब फोन से लड़की बुला के आ पूरा जम के पिटाई आ मुआई दोनों संगाई के लगा चौकी में बांध कर। रसड़ा अंतर्गत ग्राम गोपालपुर के रहने वाले राकेश बीती देर रात्रि में अपने ही गांव के दूधनाथ के यहाँ गए थे। वहाँ पर दूधनाथ व उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया तथा उनके घर उसे ले जाने के लिए सूचित भी किया गया। राकेश के घर के लोग उसे उठाकर लाए तथा प्राथमिक उपचार चिलकहर में कराने के पश्चात बलिया ला रहे थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं। घटना में 3 आरोपितों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।